दोस्तों, अगर आप ऐप इंस्टॉलेशन बढ़ाने के लिए फेसबुक एड्स का यूज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 इंपॉर्टेंट टिप्स जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप फेसबुक एड्स का यूज़ कर रहे हैं अपनी ऐप इंस्टॉलेशन के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चूज करेक्ट ऑब्जेक्टिव, यानी कि दोस्तों ऐप इंस्टॉल वाला ऑब्जेक्टिव आपको चूज करने की जरूरत है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि हम पहले हमारे लैंडिंग पेज पे ले जाएंगे, फिर वहां पे लोगों को ऑफर करेंगे कि आप यहां से हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बट इस चक्कर में दोस्तों आपका जो है इंस्टॉलेशन के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए ऐप इंस्टॉल वाला ऑब्जेक्टिव ही रखें और डायरेक्टली ऐप स्टोर पे लेके जाएं जहां पे एक क्लिक करके वो ऐप इंस्टॉल हो सके। दोस्तों जैसे कि मैं आपको एक सैंपल कैंपेन क्रिएट करके बताता हूं, यहां पे हम मैं क्रिएट की बटन दबाऊंगा और यहां पे मैं सिर्फ ऐप इंस्टॉल यूज करूंगा। ऑब्जेक्टिव में ट्रैफिक एंगेजमेंट या कोई और ऑब्जेक्टिव में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे कन्वर्जन हो चाहे कोई और हो, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऐप इंस्टॉल का ही यहां पे यूज करना है। तो मैं यहां पे ऐप इंस्टॉल सिलेक्ट कर लेता हूं। दोस्तों ऑब्जेक्टिव चूज करने के बाद आपको यहां पे देखिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ऑटोमेटेड ऐप एड्स और दूसरा है ऐप एड्स। दोस्तों ऐप एड्स जो है वो मैनुअल एड कैंपेन है जिसमें आप हर चीज मैनुअली करेंगे, एड क्रिएटिव मैनुअली डालेंगे, हेडलाइन प्राइमरी टेक्स्ट ऑडियंस वगैरह आप मैनुअली करेंगे। लेकिन फेसबुक ने एक नया स्कीम लॉन्च किया है, डेट इज ऑटोमेटेड ऐप एड्स। इसमें जो है मशीन लर्निंग का बहुत ज्यादा यूज होएगा और आपके हाथों में बहुत सारी चीजें कंट्रोल में नहीं होंगी, जैसे कि टारगेटिंग आपके हाथों में नहीं होगी, बहुत सारी हेडलाइंस आपके हाथों में नहीं होंगी, बट इसका फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो इस केस में अभी ये नया है तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों को ट्राई करके देखिए, यानी कि मैनुअली ऐप एड्स तो आप चलाएंगे ही चलाएंगे, लेकिन आप साथ में कुछ समय 10-15 दिन के लिए आप ऑटोमेटेड ऐप एड्स का भी ट्राई करके देख सकते हैं, ताकि आप देख पाएं कि मशीन लर्निंग जो फेसबुक की है वो आपके एड्स अकाउंट के ऊपर, आपके एड कैंपेन के ऊपर किस तरीके से काम कर रही है। दोस्तों ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं कि आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो, आपको रोज रोज का चेंजेस करने से अच्छा एक बार आपने ऑटोमेटेड पर डाल दिया और आपको फायदा हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके ऐड अकाउंट की हिस्ट्री कैसी है, आपके पास पहले कन्वर्जन कैसे हैं और टारगेटिंग वगैरह पे भी डिपेंड करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट करके आगे जाएंगे। दोस्तों जब आप एडसेट लेवल पे आ जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसे टारगेट करेंगे अपनी ऐप इंस्टॉलेशन के लिए। दोस्तों यहाँ पे सभी रिसर्च और सारे एक्सपीरियंस को मिला के मैं आपको अल्टीमेटली ये कहना चाहूँगा कि जो लोकलाइज ऑडियंस होती है, चाहे वो आपके कस्टमर्स की लोकलाइज ऑडियंस हो, चाहे ऑलरेडी ऐप यूजर्स की आपकी लोकलाइज ऑडियंस हो, वही आपके लिए बेस्ट ऑडियंस होगी यहाँ पे टारगेट करने के लिए। अगर दोस्तों आपके पास लोकलाइज ऑडियंस नहीं है, उसी केस में आपको इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग पर जाना चाहिए, अदरवाइज आपको लोकलाइज ही आपके लिए बेस्ट परफॉर्म करेगी। तो अल्टीमेटली दोस्तों सेकंड पॉइंट है, यूज लोकलाइज ऑडियंस बिकॉज इट परफॉर्म्स बेस्ट। ये वो लोगों का ग्रुप होता है जो क्वाइट सिमिलर है आपके ऑलरेडी कस्टमर से या आपके ऑलरेडी ऐप यूजर्स से। दोस्तों थर्ड टिप यहाँ पे है, चूज बिटवीन iOS यूजर्स और एंड्रॉइड यूजर्स। दोस्तों इसमें डिपेंड करता है कि आपका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि दोस्तों जब आप एडसेट लेवल पे यहाँ पे आएंगे क्रिएट करेंगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा गूगल प्ले स्टोर या तो फिर उसके नीचे जितने भी ऐप स्टोर हैं वो आपको यहाँ पे देख, यहाँ से आपको चूज करना है कि गूगल प्ले स्टोर को टारगेट करना है या iOS स्टोर को टारगेट करना है। अगर दोस्तों आपकी ऐप दोनों प्लेटफॉर्म्स पे है तो यहाँ पे सोचना बनता है, अगर आपकी ऐप सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे यानी कि सिर्फ एंड्रॉइड है या सिर्फ iOS की ऐप है तो कोई बात ही नहीं उठती, लेकिन अगर दोनों प्लेटफॉर्म पे आपकी ऐप अवेलेबल है तो यहाँ पे सोचने वाली बात है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको सस्ते ऐप इंस्टॉल्स करवाने हैं तो आपके ऐप इंस्टॉल्स जो है एंड्रॉइड पे ज़्यादा सस्ते होंगे और अच्छे होंगे, लेकिन अगर आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि ऐप इंस्टॉल करवाने के बाद प्रीमियम कस्टमर्स बनने चाहिए, पेड कस्टमर्स बनने चाहिए, तो उस केस में दोस्तों आपको iOS पे टारगेटिंग करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऐप इंस्टॉल्स आपको महंगे पड़ेंगे, ऐप इंस्टॉल्स आपको कम मिलेंगे, लेकिन प्राइम मेंबर्स मिलने की संख्या ज़्यादा हो सकती है वहाँ पे, क्योंकि आप तो आप यूज़र बिहेवियर भी समझेंगे। तो आईफोन यूजर्स मोस्टली वो होते हैं जिनकी अर्निंग ज़्यादा होती है, जो लोग प्राइम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, प्राइम सर्विसेज ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं, और इसी का पूरा उल्टा होता है एंड्रॉइड केसेस में। तो यहाँ पे आपके लिए ऑब्जेक्टिव चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड्रॉइड यानी कि ज़्यादा ऐप इंस्टॉल करवाने तो एंड्रॉइड पे जाइए, और अगर प्राइम कस्टमर्स आपको गेन करने हैं तो आप iOS को ट्राई कर सकते हैं। अल्टीमेटली आप दोनों को भी ट्राई कर सकते हैं, बट अगर आपके पास बजट कम है, लिमिटेड है, आपको शॉर्ट शॉर्ट करना है तो आप इन दोनों में से किसी एक पे ट्राई कीजिए। दोस्तों फोर्थ टिप है यहाँ पे, ऑप्टिमाइज फॉर ऐप इंस्टॉल। दोस्तों जब आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, आपने टारगेटिंग वगैरह कर दी, तो आप नीचे जाके एक जगह पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी। यहाँ पे फेसबुक आपसे पूछ रहा है कि भाई आपके ऐड को किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज करके चलाना है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है लिंक क्लिक्स रहता है, इसको आपको चेंज करके ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपका जो फेसबुक ऐड है वो ऐप इंस्टॉल के हिसाब से आपका ऐड को फोकस करेगा, टारगेट करेगा और लोगों को दिखाएगा। तो इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐप इंस्टॉल को सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होगा कि अगर आप लिंक क्लिक्स करते हैं तो आपका ऐड अधिकतर उन लोगों को दिखाया जाएगा जो लोग हैबिचुअली है, जिन लोगों का बिहेवियर है आसानी से लिंक क्लिक करने का,
तो फेसबुक को लगता है कि ये लोग इस ऐड पे भी लिंक क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप ऐप इंस्टॉल के लिए अगर ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो आपका ऐड उन लोगों को दिखाया जाएगा जिन लोगों की ऐप इंस्टॉल करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जो कि फेसबुक ने उसके बिहेवियर, उसके यूजर बिहेवियर से समझा है। इसलिए यहाँ पे अगर आप बाय डिफॉल्ट लिंक क्लिक्स रहने देते हैं तो आज से आपका नुकसान हो सकता है और ऐप इंस्टॉल जो है आपका कॉस्टली पड़ सकती है। दोस्तों फिफ्थ टिप है आपके लिए, कीप योर ऐड वेरी सिंपल। दोस्तों वेरी सिंपल कहने से मेरा मतलब है आपको यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लिखना होगा, हेडलाइन लिखनी होगी, कॉल टू एक्शन लिखना होगा। वहां पे दोस्तों जब आप लिखें तो आप अपने ऐप के फीचर्स बताने से ज्यादा अच्छा होगा कि आप अपने ऐप के बेनिफिट्स बताइए। बेनिफिट्स यानी कि आपकी ऐप यूज करके सामने वाले की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या वो फील करेंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर ऐप फीचर्स। मान लीजिए दोस्तों आपकी कोई मेडिटेशन की ऐप है, उसके ये फीचर्स हैं कि उसमें मेडिटेशन म्यूजिक होता है, गाइडेड मेडिटेशन होता है, ठीक है, स्लीपिंग टाइमर्स होते हैं। लेकिन इसकी जगह अगर आप ये बोलेंगे कि इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, कीप योर माइंड पीस एंड काम, यूज दिस मेडिटेशन ऐप टू एनहेंस योर लाइफ स्टाइल, तो इस तरीके से दोस्तों ये क्या लाइफ की बात हो गई। अगर आपकी ऐप यूज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये सारे बेनिफिट्स उनकी लाइफ में आएंगे। इन चीजों से लोगों को फर्क पड़ता है, ना कि फीचर्स से। फीचर्स आप कहीं और मेंशन कर सकते हैं। तो मेन इंपैक्ट, मेन एक्शन जब कोई भी लेता है तो वो आपके बेनिफिट्स देख के लेता है, उसके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है उसकी लालच से वो एक्शन लेता है। तो आप अपने एड्स को सिंपल रखिए, बेनिफिट्स की बात कीजिए तो आपको ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों सिक्स्थ टिप है आपके लिए, यूज प्लेबल रिसोर्स फाइल। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं यहाँ पे कहूँगा आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप इस पॉइंट को अप्लाई करते हैं अपने ऐप इंस्टॉल वाले ऐड कैंपेन में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो प्लेबल रिसोर्स फाइल क्या होता है। जब आप ऐड क्रिएट कर रहे होंगे तो यहाँ आपको ऊपर ऑप्शन आता है एक जगह, फुल स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंस, और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड इंस्टेंट एक्सपीरियंस, ऐड प्लेबल सोर्स फाइल। इसके ऊपर आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा है, सिंगल इमेज या वीडियो। अगर आप नीचे वाले ऑप्शन को चूज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट आपके लिए बेटर होगा कि आप क्राउजर्स, जिसमें आप अलग अलग बेनिफिट बता सकते हैं, या एक शॉर्ट वीडियो आप यूज कर सकते हैं। बट दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे बता रहा हूँ, प्लेबल रिसोर्स फाइल, वो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ये वाला, सेकंड, ऐड अ प्लेबल रिसोर्स फाइल। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि प्लेबल रिसोर्स फाइल क्या होता है। दोस्तों मान लीजिए आपकी कोई गेम की ऐप है, अब आप गेम की ऐप दिखा रहे हैं तो सिर्फ आप एक बैनर दिखा सकते हैं इस तरीके से और बोलेंगे कि इंस्टॉल नाउ। इससे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि अगर आप इस तरीके से आपका ऐड दिख रहा होगा, जहाँ पे इस तरीके से वीडियो चल रहा होगा, अगर कोई भी उस वीडियो पे टैप की बटन आएगी, देखिए आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे ही टैप करेगा बिना इंस्टॉल करे उसके सामने वीडियो का जो आपका गेम है उसका डेमो शुरू हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे बटन भी आते हैं कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ऐसा एक्शन लेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसा एक्शन लेगा। मतलब 5-10-15 सेकंड का जो पूरा डेमो हो जाएगा, जिसमें सामने वाला इंटरेक्टिव डेमो होगा, जिसमें सामने वाला क्लिक करेगा तो एक्शन होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है उसे इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं, उसको एक छोटा सा एक्सपीरियंस दे पाते हैं अपनी ऐप का, जैसे आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले एक वीडियो चल रहा है जिसमें बीच में आ रहा है टैप हेयर टू प्ले, ठीक है, विदाउट इंस्टॉल आप प्ले कर सकते हैं। और पहले एक शॉर्ट वीडियो आया, उसके बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पे टैप करने के बाद सामने वाला प्ले कर सकता है। जैसे ही टैप किया गेम लोड हो गया और यहाँ पे सारे उसके फीचर्स आ गए। ये देखिए आप किस तरीके से फीचर्स आ रहे हैं, अगर आप क्लिक करते जाएंगे चीज़ें होती जा रही हैं, क्लिक करते जाएंगे और इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे होती जाएंगी। तो ये तरीका जो होता है ये होता है प्लेबल रिसोर्स फाइल। तो दोस्तों बेसिकली आपको प्लेबल रिसोर्स फाइल अगर आप बनाते हैं, ऐड करते हैं अपने ऐप इंस्टॉल कैंपेन में, तो वो सामने वाले को एक एक्सपीरियंस दे पाता है विदाउट इंस्टॉलेशन। अभी वो कहीं प्ले स्टोर पर भी नहीं गया, कहीं क्लिक करके फेसबुक के बाहर नहीं गया, उसको पहले ही एक छोटा सा एक्सपीरियंस हो जाता है उस ऐप का, चाहे वो गेम की ऐप हो चाहे वो कोई सर्विस ऐप हो। इस तरीके से आप सामने वाले को एक्सपीरियंस दे सकते हैं, उसको इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं, उसको बेनिफिट का एहसास करा सकते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आप फ्री डाउनलोड करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग टूल शीट और साथ में एक ट्यूटोरियल वीडियो भी, या उसके अलावा अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं फेसबुक एड फनल, यानी कि आप फेसबुक कैंपेन चला रहे हैं तो आपको अगर फनल का आइडिया नहीं है तो आप फनल टेम्पलेट यहां से डाउनलोड कर सकते हैं या डिजिटल मार्केटिंग टूल शीट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको केवल मैसेज करना है, डिजिटल मार्केटिंग टूल शीट के लिए आपको मैसेज करना है टूल शीट, नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप मैसेज कर सकते हैं फनल, नीचे दी गई लिंक पे आपको दोनों चीज़ें बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने कौन से 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं ऐप इंस्टॉल के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले चूज करेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको एक बार मैं रिकॉल कराऊंगा, आप ऑटोमेटिक ऐड कैंपेन का भी एक बार चूज करके देख सकते हैं, ट्राई करके आपको देखना चाहिए क्योंकि फेसबुक का नया फीचर आया हुआ है वो। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है लुक लाइक ऑडियंस, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। अगर आपकी बनी नहीं है तो आप अभी से क्रिएट करना शुरू कीजिए, आपको आगे लुक लाइक से बहुत फायदा होगा। बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है कि एंड्रॉइड यूजर के लिए टारगेटिंग करना है या iOS यूजर के लिए टारगेटिंग करना है।
फोर्थ पॉइंट है ऑप्टिमाइज फॉर ऐप इंस्टॉल। इंस्टेड ऑफ लिंक क्लिक्स आपको ऐप इंस्टॉल पे क्लिक करना है। कीप योर एड वेरी सिंपल ताकि लोगों को सिंपली समझ में आ जाए और क्या करना है क्या नहीं करना उनको एक ही बार में दिख जाए। यूज प्लेबल रिसोर्स फाइल विच वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। अगर आप प्लेबल रिसोर्स फाइल यूज करते हैं तो आपका एड जो है 100 अलग ऐप इंस्टॉल एड से अलग दिखेगा, एकदम उठ के आएगा, सामने आएगा और एक्सपीरियंस देगा सामने वाले को। इसके अलावा दोस्तों आप फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं।